स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यही वजह है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक साधने में लगे हैं और तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है, यानी आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां हैं जो वोट कटवा पार्टियां हैं, और आपको याद होगा कि असदुद्दीन अवैसी को पर पहले से ही लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी की वजह से बीजेपी को फायदा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ आरोप ही नहीं लगते बल्कि यहां तक कहा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और अब यही स्थिति कुछ बिहार में नजर आ रही है, जब वो आरजेडी जिस तरह से आरोप लगा रही है, और इसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन अवैसी ने इसका जवाब देते हुए क्या कहा है, ये ट्वीट आपके सामने रहा। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि वोट कटुआ कौन है, वही जिसने आपका वोट लिया जरूर था, लेकिन मरहूम मौलाना कासमी को ट्रिपल तलाक बिल पर बोलने की इजाजत नहीं दी, वही जिसने वोट कटवों के डर से नीतीश को जितवा दिया और नीतीश जाकर मोदी की गोद में बैठ गया। इसके आगे असदुद्दीन अवैसी लिखते हैं कि अगर आप भी कांग्रेस और राजद की गुलामी से तंग हैं तो हमारा साथ दीजिए, अपना वोट जाया जाने ना दें। मजलिस आपके मुद्दों को पूरी बेबाकी और ईमानदारी से उठाएगी। हम कभी जालिम से समझौता नहीं करेंगे। मजलिस में बुजदिली की कोई जगह नहीं है। तो ये उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर तीखा हमला बोला, और उन्होंने कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया है कि आप लोग वो हैं जो वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद भी उन लोगों के मुद्दे नहीं उठाते हैं जिन लोगों का वोट लेते हैं। और इसका उदाहरण उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। अवैसी ने आगे कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की वजह से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आरजेडी के 15 वर्ष के कुशासन को देखा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा के जैसे ही सबक सिखाएगी। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प खोज रही है और हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मजबूत गठबंधन के साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये असदुद्दीन अवैसी का बयान था, जिन्होंने आरजेडी के को लेकर सीधा सीधा प्रहार किया कि कैसे आरजेडी का 15 सालों का दौर रहा है और उस 15 साल के दौर को बिहार वालों ने देखा है और समझा है। तो ये असदुद्दीन अवैसी कहते हुए नजर आए। उन्होंने 15 सालों को भी गिनवाया जब आरजेडी का शासन रहा था बिहार में। उन्होंने कहा कि उस दौर को भी बिहार वालों ने देखा है। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन है और गठबंधन से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहला चरण है, 3 नवंबर को दूसरा चरण है और 7 नवंबर को तीसरा चरण है। 3 फेस में बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। इस राजनीति को लेकर और बिहार में जिस तरह से गठजोड़ बनाए जा रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी की टिप्पणी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या बिहार में असदुद्दीन अवैसी, आपको यह भी बताता चलूं जाते जाते कि बिहार में एक विधानसभा सीट पर असदुद्दीन अवैसी की जीत हुई है जो किशनगंज की है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे उसमें उन्हें जीत मिली है और अब शायद वो अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आरजेडी का क्या माहौल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से लड़ पाएगी, एनडीए किस तरह से लड़ पाएगी, इन सारी चीज़ों को देखकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत शुक्रिया।